हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद रखोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो ये लिमिटेड रिएक्शन से है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड जो मैं आज ये पढ़ाने जा रहा हूँ इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं मेंस में भी एंड एडवांस में भी, क्योंकि ये कुछ लिमिटेड रिएक्शन और काफ़ी सारे रिएक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ये बेसिकली हम लोग किस में पढ़ना है, कार्बोनाइल कंपाउंड में पढ़ना है। तो जैसे कि कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करें या हम एसिड डेरिवेटिव की बात करें, जैसे सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लो, जब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अल्काइलाइड की या हेलोअल्केन्स हेलोअरीन्स की, तो बेसिकली वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाता है। अगर हम अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करते हैं तो वहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, मगर वहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल को ऐड नहीं करा सकते हो। उसके बाद तीसरा आता है कार्बोनाइल कंपाउंड, तो कार्बोनाइल कंपाउंड में आराम से न्यूक्लियोफाइल को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से अगला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है लेकिन साथ में सब्स्टिट्यूशन भी होता है। तो वहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होता है एडिशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर हम बात करें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, आइए रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक में ये पहले समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ पे HCN का एडिशन, NaHSO3 का एडिशन, नाइट्रोजन डेरिवेटिव का एडिशन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये नाइट्रोजन डेरिवेटिव का एडिशन, उसी तरह H2O का एडिशन पढ़ेंगे, अल्कोहल का एडिशन, थायोल का एडिशन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन, जो कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टॉपिक में इसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं जनरल रिएक्शन क्या होगा। ये हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कार्बोनाइल कंपाउंड में हमने क्या ले रखा है, न्यूक्लियोफाइल ले लिया है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस पर अटैक करेगा क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो आराम से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। अटैक करने के बाद O का माइनस शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये काइरल सेंटर है। अब इसका मेकैनिज्म हम लोग देखते हैं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने के कारण ये प्लैनर होगा। अगर प्लैनर होगा तो न्यूक्लियोफाइल के पास दो पॉसिबिलिटी होगा अटैक करने का, टॉप से भी अटैक कर सकता है, बॉटम से भी अटैक कर सकता है। अगर ये टॉप से अटैक किया तो ये जो O- होगा ये चला जाएगा नीचे, और अगर ये बॉटम से करेगा तो O- कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब O- एक बार वेज पे चला जाएगा और एक बार डैश पे। तो देखो, एक बार हमने O- डैश पे बना दिया, एक बार वेज पे बना दिया, दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, इनैंशियोमर हो गया। चूंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा तो 50-50% होगा तो रेस्मिक मिक्सचर बनने का चांसेज होगा, यानी अगर कहीं पे काइरल सेंटर हो रहा होगा तो वहां पे आप रेस्मिक मिक्सचर बोल सकते हो कि मिक्सचर जो होगा वो रेस्मिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। तो ये सारे रिएक्शन का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो यही है, क्योंकि सभी के पास सर्टेन न्यूक्लियोफाइल है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो सर्टेन सभी के पास न्यूक्लियोफाइल है, वही उसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। किसी में थोड़ा सा मीडियम का डिफरेंस आता है, कोई एसिडिक मीडियम में होता है, कोई बेसिक मीडियम में होता है, कोई न्यूट्रल मीडियम में भी प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके सारा टॉपिक को, पहले यहाँ तक आप लोग लिख लो। देखिए, हमारा जो पहला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, वो रिएक्शन एडिशन ऑफ HCN। तो हम लोग HCN ऐड करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया कार्बोनाइल कंपाउंड HCN, तो HCN में क्या है हमारे पास, H+ है और Cl- है। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जा रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे फॉर्म कर रहा है, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, इसके पास लोन पेयर है, ये H+ को प्रोटोनेट किया, प्रोटोनेट करने के बाद O+ आ गया। अब इस कार्बन पे ठीक है क्या आ रहा है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो ये Cn- एज अ न्यूक्लियोफाइल, Cn- एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक किया, ये शिफ्ट कर गया। अब यही कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, यही चेंज करेगा, या तो ये Cn- टॉप से अटैक कर सकता है या बॉटम से अटैक कर सकता है। तो जिस साइड से अटैक करेगा, अगर टॉप से किया तो Cn वेज पे चला जाएगा, OH- पे चला जाएगा, Cn बॉटम से गया तो OH ऊपर चला जाएगा। तो इसका दो फॉर्म बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दो फॉर्म हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, चूंकि काइरल सेंटर है, हमने यहाँ पे लिख रखा है R+S, दोनों फॉर्म बन सकता है इसका। ठीक है, अब देखिए अगला है कंपाउंड इन विच सेम कार्बन आइटम हैव OH एंड CN ग्रुप। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास OH ग्रुप भी है और साइनाइड ग्रुप भी है, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। आपके बोर्ड एग्जाम में, 12th बोर्ड में जनरली पूछा जाता है कि साइनोहाइड्रिन क्या है, तो आपको इस तरह का एक एग्जाम्पल बना देना है। मतलब आपको एक कार्बोनाइल कंपाउंड लेना है, उसको रिएक्शन करा देना HCN के साथ में, HCN के साथ रिएक्शन करा के आप इस तरीके से इस प्रोडक्ट को लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, ये से COH ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCN है तो H तो O के साथ चला गया, यहाँ पे साइनाइड ऐड हो गया, देखो CN और OH आ गया। ठीक है, अब चूंकि काइरल सेंटर बना तो दो फॉर्म बन गया। देखो यहाँ पे CH3, तो चूंकि दोनों सेम है तो यहाँ पे तो OH आ गया और CN ऐड हो गया, तो OH और CN आ गया। काइरल सेंटर तो बना नहीं, एक ही प्रोडक्ट इसमें बनेगा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म कर गया था। कभी कभी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, सपोज RCOH और प्लस KCN लिखा हुआ रहेगा। अब KCN में ध्यान से देखो, K+ होगा, CN- होगा,
तो ये सी एन माइनस जाके इस पर अटैक कर देगा, तो आपका क्या बन जाएगा, आर सी ओ माइनस, यहाँ पर आपका आ गया साइनाइड और यहाँ पे H और O माइनस के साथ जाके K प्लस जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से भी कभी कभी आपको प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और बाद में आप इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे तो O माइनस K प्लस जो है यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ हमने बेसिक सवाल दे रखे हैं, तो इन सारे सवाल को आप बनाने का कोशिश करोगे, यहाँ तक लिखो, उसके बाद अगले रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। ओके, हमारा अगला रिएक्शन है इसमें एडिशन ऑफ NaHSO3, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले NaHSO3 का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, ये रह गया स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, सल्फर के पास एक लोन पेयर है, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो दो दो लोन पेयर है जो न्यूक्लियोफाइल साइट की तरह बिहेव कर सकता है यहाँ पे। लेकिन होता क्या है कि सल्फर का जो लोन पेयर है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा कम होता है, तो इसलिए सल्फर का यहाँ पे जो लोन पेयर है वो लोन एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा देन ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो इस चीज़ को बस हमें याद रखना है, यहाँ पे NaHSO3 में सल्फर का लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब ध्यान से समझना, ये एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल जो थोड़ा बल्क न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि अभी इससे पहले हमने साइनाइड यूज़ किया, साइनाइड एक नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, उसका साइज उतना बड़ा नहीं होता है, जिससे हम बात करेंगे इसका, तो ये साइज का क्या है, बल्कि साइज बल्कि होने के कारण कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन ही ये रिएक्शन शो करता है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिखा MeCOR, यानी कि एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, अगर यहाँ पे मिथाइल छोड़कर अगर इथाइल ग्रुप हुआ तो रिएक्शन जो है NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होने के कारण न्यूक्लियोफाइल उतना इफेक्टिवली अटैक नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है रिएक्शन में जो आप प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो प्रोडक्ट आपका ज़्यादा अमाउंट में ना बने, ठीक है। इसलिए NaHSO3 के साथ मिथाइल कीटोन का होना जरूरी है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस रीजन, और एल्डिहाइड में तो सारा एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड के पास एक हाइड्रोजन होता है जो ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग वहां पे एग्जर्ट नहीं करता है, ठीक है, इसलिए हमने यहां पे लिख दिया सिंस द न्यूक्लियोफाइल इज बल्की सो इन कीटोन्स ओनली मिथाइल कीटोन दैट इज MeCOR एंड ऑल एल्डिहाइड कैन गिव दिस रिएक्शन पॉजिटिव, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा ETCOET, तो दोनों तरफ इथाइल हो गया, कीटोन है इथाइल है, तो इथाइल ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन NaHSO3 के साथ रिएक्शन पॉजिटिव नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये भी बल्कि है प्लस इन दोनों का भी तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब देखो रिएक्शन क्या है, ये हमने कीटोन ले लिया या कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया जहाँ पे NaHSO3 है, ठीक है, तो इसमें NaHSO3 है, अब ये रिएक्शन इसके साथ करके प्रोडक्ट ये बना रहा है OH और SO3 Na। अब देखते हैं मैकेनिज्म इसका क्या है, ध्यान से देखो, ये सल्फर का लोन पेयर इस पर अटैक किया, इसका O- शिफ्ट किया। अब याद रखोगे सल्फर जो है वो हमेशा अपना कोवेलेंसी को मेंटेन करता है 2, 4, 6, अभी इसका कोवेलेंसी इस जगह पे हमें कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, जैसे सल्फर का लोन पेयर जाएगा तो तुरंत कोवेलेंसी इसका क्या होना चाहेगा 6 होना चाहेगा, तो इसलिए O का लोन पेयर तुरंत इस पर गिरा, तो 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6 कोवेलेंसी होगा, तो इसलिए O का लोन पेयर सल्फर पे गिर गया। ये Na को कौन अट्रैक्ट कर लिया, ये O, ठीक है, तो देख लो O माइनस Na प्लस आ गया, और सल्फर के पास एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड मतलब दो डबल बॉन्ड, और इसके साथ एक OH अटैच है। अब उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है, तो ये तुम्हारा बेसिक साइट है, ये एसिडिक साइट है, तो ये अपना H इसको रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद OH और यहां पे क्या आ गया आपका SO3 Na आ गया। जैसे एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं CH3COH है, और इसको हमने NaHSO3 के साथ रिएक्ट करा दिया, तो रिएक्ट करा दोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर जाएगा, प्रोडक्ट बन गया CH3C, यहाँ पे आपका हो गया OH, यहाँ पे H और यहाँ पे आपका हो गया SO3 Na, तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन दे रखा है, सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे बनाओगे इसी सेम अप्रोच से, याद रखोगे हमेशा कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन ही ये रिएक्शन शो करेगा, यानी अगर कीटोन है तो मिथाइल वहाँ पर है तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, अगर तुम्हारा दोनों साइड में अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो ये रिएक्शन वहाँ पर प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे अगला रिएक्शन में हम बात करेंगे। देखिए हमारा अगला रिएक्शन है एडिशन ऑफ नाइट्रोजन डेरिवेटिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको पहले ध्यान से समझो, यहाँ पे दो पार्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट में अभी हमने यहाँ पे पूरा बेसिक डिस्कस किया है रिएक्शन का, अगले पार्ट में इसके सारे डेरिवेटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो यहाँ पे ये हमने कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया, इसको हम NH2G से रिएक्ट करा रहे हैं, यही हमारा G इंपॉर्टेंट है, इस G को हम वेरी करते जाएंगे,
जैसे जैसे जी वेरी होता जाएगा अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, अलग अलग रिएक्टेंट का नाम होगा। जैसे मान लो यहाँ पे जी हमने एच लिया तो क्या कहलाएगा, या अमोनिया कहलाएगा, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन क्या होगा, उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग बात करेंगे। जैसे जी की जगह हमने कोई अल्काइल ग्रुप ले लिया तो RNH2 हो जाएगा, तो ये 1 डिग्री अमीन हो जाएगा, तो यहाँ पे एन और आर हो जाएगा, तो फिर उसका कुछ नाम होगा। तो ये सारी चीज़ों को अगले पार्ट में भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। चलो तो यहाँ पे अभी जी के बारे में अभी उतना ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेते हैं, इसकी जस्ट बाद अभी क्लियर करेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी बात। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, मीडियम हमने क्या लिया यहाँ पे, एसिडिक मीडियम H+। ठीक है, अब एसिडिक मीडियम क्यों यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये मैकेनिज्म से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ से प्रोटोनेट हो गया, यहाँ पर आ गया प्लस, इस कार्बन का पे हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तो N का जो लोन पेयर है वो जाके इस पर अटैक कर गया, यहाँ पे O का बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो क्या हो गया, N इससे जाके अटैच हो गया, अटैच हो गया N पे, क्या आ गया प्लस चार्ज, N पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ से ये H को रिलीज़ किया, जैसे H को रिलीज़ करेगा तो तुरंत ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या कर लिया, उसको प्रोटोनेट कर दिया। अब ये सोचो अगर मीडियम एसिडिक नहीं होता तो ये पोर्शन प्रोटोनेट नहीं होता, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे प्रोटोनेट नहीं होता, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन के यहाँ से वाटर के फॉर्म में इसे हम बाहर नहीं निकाल सकते थे। जैसे फर्दर OH का क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब मीडियम एसिडिक हो। अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो O का प्रोटोनेशन नहीं होगा, प्रोटोनेशन नहीं होगा तो ये जो पुअर लिविंग ग्रुप OH है इसे हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे मीडियम एसिडिक यूज़ किया है, तो H+ इसका फर्दर प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होने के बाद ये OH2+ में कन्वर्ट हो गया, एंड देन आफ्टर N का लोन पे जैसे इस कार्बन पे अटैक करता है यहाँ से वाटर क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो जैसे यहाँ से वाटर रिमूव हुआ तो फाइनली अब इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, R1Cr2 डबल बॉन्ड NH, और N पे अब क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज, देखो N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से H+ को रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद हमारा प्रोडक्ट ये बन गया, यही हमारा प्रोडक्ट बनना था, साथ में क्या रिलीज हुआ है, वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। अब ये सोचो इस पूरे मैकेनिज्म में जी का कोई भी यूज नहीं है, ये जी जो है मैकेनिज्म कहीं पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, इसलिए जी को हमने सेपरेट कर दिया और अलग अलग जी का वेरिएशन देखेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, सारे प्रोडक्ट का मैकेनिज्म बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म, बस एक ही चेंज होगा, वो क्या होगा, बस जी की जगह आपका ग्रुप जो है वो बदलता रहेगा। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे बोला कि जो रिएक्शन जो हमने पूरा का पूरा प्रोसेस कराया, रिएक्शन के लिए हमने मीडियम क्या यूज़ किया, एसिडिक मीडियम। अब क्यों एसिडिक यूज़ किए ये तो समझ में आ गई बात, क्योंकि हमें जो बेटर लिविंग ग्रुप बनाना था OH को, जो कि एक पुअर लिविंग ग्रुप है, उसके लिए हमें एसिडिक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। अगर मान लो ऐसा हुआ कि एसिडिक मीडियम जो है वो हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, मीन्स हमने pH जो है उस सॉल्यूशन का वो बहुत कम कर दिया, डैट इज़ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इससे क्या होगा, जैसे H+ का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा दोगे तो जो न्यूक्लियोफाइल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कौन, NH2G, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस N के पास भी क्या है, लोन पेयर है। अब जैसे इनके पास लोन पेयर है तो ये भी लोन पेयर तो प्रोटोनेट होने लगेगा, और अगर ये प्रोटोनेट हो गया तो फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा। इसलिए याद रखोगे कि जो एसिडिक मीडियम हम लोग लेते हैं ये समहाउ कहीं इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोग लेते हैं, कि ना ज़्यादा एसिडिक हो ना कम एसिडिक हो। अगर बहुत कम एसिडिक कर दोगे तो ऑक्सीजन नहीं प्रोटोनेट हो पाएगा, वो प्रोटोनेट नहीं होगा तो वाटर बाहर नहीं निकलेगा। बहुत ज़्यादा अगर एसिडिक ले लोगे तो N का भी लोन पेयर प्रोटोनेट हो जाएगा, N का लोन पेयर प्रोटोनेट होगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कहीं ना कहीं 4 से 5 pH वैल्यू के बीच में अगर हम रखते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया pH 4.5 के आसपास जो होता है वो रिएक्शन का रेट क्या होता है, मैक्सिमम। एग्जैक्टली ये नहीं होता 4.5, आप लमसम बोल सकते हो, 4 से 5 के बीच में ये वेरी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही हमने लिखा, एक इस तरह से ग्राफ बना दिया ताकि थोड़ा आपको आइडिया उसके आसपास मिल जाएगा, जो pH है वो 4-5 के आसपास जो रेट है उसके लिए क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो अब हम उसके यहाँ तक आप नोट कर लो, उसके बाद इसका वेरिएशन देखेंगे, वेरिएशन में अलग अलग कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, अब देखिए ये जो नाइट्रोजन डेरिवेटिव का रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में हमने ये रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म कर लिया था, हमने बस ये बोला था कि जो जी है ये चेंज करते जाएंगे और क्या हो जाएगा, रिएजेंट का नाम भी चेंज होगा, प्रोडक्ट का भी नाम क्या होगा, कॉमन नेम वो चेंज होगा। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले जी की जगह हमने एच लिया, जब यहाँ पे एच ले लेंगे तो ये रिएजेंट क्या कहलाएगा, रिएजेंट का नाम होगा अमोनिया। ठीक है, और जब यहाँ पे एन की जगह एच लग जाएगा तो इस प्रोडक्ट को हम तुम्हारा क्या नाम देंगे, इमीन।
ठीक है। उसी तरह से अगला देखो, अगर मान लो जी की जगह अगर आर हो, तो अगर आर हो जाएगा तो आर एन एच टू, मतलब वन डिग्री अमाइन बन रहा है। वन डिग्री अमाइन में यहाँ पे जी है तो यहाँ पे जी की जगह आर लग जाएगा, और अगर यहाँ पे आर लग गया तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सब्स्टिट्यूटेड इमीन, या इसी को हम कहते हैं स्किप बेस। ठीक है। अब देखो, अगर जी की जगह तुम्हारा एन एच टू हो, अगर जी की जगह एन एच टू हो जाएगा तो बन जाएगा एन एच टू, जिसका नाम क्या है, हाइड्राजीन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीन, और यहाँ पे जी की जगह क्या लग जाएगा, NH2। देखो NH2 लगा दिया। ठीक है, देखो मैकेनिज्म सारे रिएक्शन का सेम है, एक भी चेंज नहीं होगा मैकेनिज्म में, NH2 हो गया। अब इसका कॉमन नेम क्या है, हाइड्राजोन। ठीक है, अब देखो अगला, अगर मान लो जी की जगह OH होता, अगर यहाँ पे OH होगा तो इस रिएजेंट का क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन। देखो हाइड्रोक्सिल OH के कारण, और ये अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन हो गया। अब यहाँ पे G की जगह क्या हो जाएगा, OH, ध्यान से देखो C डबल बॉन्ड NOH, ये हम लोग पहले से भी पढ़ते हैं ऑक्साइम, इसे क्या कहते हैं ऑक्साइम, हमने ये भी पढ़ा था बैकमैन रीअरेंजमेंट में, अगर ये ऑक्साइम फॉर्म होता है तो इस ऑक्साइम को अगर हम एसिडिक मीडियम में या किसी लोएस एसिड में लेते हैं तो वो किस में बदल जाता था हम लोग का, NHCO में। अगर मान लो साइक्लिक रिंग में होगा तो रिंग एक्सपेंशन होता था, अदरवाइज तुम्हारा NHCO डेरिवेटिव या अमाइड डेरिवेटिव में वो अपने आप को चेंज करता था। ठीक है, उस रीअरेंजमेंट को हम बैकमेंस रीअरेंजमेंट कहते थे। तो हमने वहाँ पर ध्यान दो, तुम लोगों को डायरेक्ट रिएक्शन लिखवाया था किससे, RCO NH2OH, हमने डायरेक्ट लिखा था NH2OH। ठीक है, उसका मैकेनिज्म हमने बोला था कि मैकेनिज्म आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो मैकेनिज्म यहीं पर पढ़ना था हमें। ठीक है, तो यहाँ पे NH2OH लेंगे तो क्या होता था, H2 और O बाहर निकालते थे आप लोग H2O और बना देते थे C डबल बॉन्ड NOH, तो एग्जैक्टली वही तो रिएक्शन है। अब इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी अब आपको समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, अगर मान लो जी की जगह हमने यहाँ पे क्या ले लिया, NH और फिनाइल, तो NH फिनाइल ले लोगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, NH2 NH फिनाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, हाइड्राजीन था जब NH2 NH2 था, इसके एक एच को रिप्लेस कर दिए किससे, फिनाइल से, तो अब इसका क्या नाम हो गया, फिनाइल हाइड्राजीन नाम हो गया। ठीक है, तो फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। अब अगर मान लो जी का स्ट्रक्चर ये है तो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड एन और जी के जगह इस पूरे स्ट्रक्चर को डाल देंगे, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हमने लगा दिया यहाँ पे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन गया फिनाइल हाइड्राजोन, इसका कॉमन नेम हो गया फिनाइल हाइड्राजोन। अब देखो अगला रिएजेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जो 6 नंबर का रिएजेंट है, ध्यान से समझो। अब अगर जी मान लो ये ग्रुप होता, मतलब अब देखो हमने क्या किया, अभी ये जो फिनाइल हाइड्राजीन था उस फिनाइल में सेकंड पोजीशन में और फोर्थ पोजीशन में, ठीक है, ये आपका सेकंड पोजीशन हो गया और ये फोर्थ पोजीशन हो गया, हमने क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया, इसलिए इसका नाम हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और इसलिए शॉर्ट में इसे कहते हैं 2,4-DNP शॉर्ट नाम है इसका, 2,4-DNP, जिसका कि एक और नाम है इस रिएजेंट का, ब्रैडिस रिएजेंट भी इसे कहते हैं, ब्रैडिस रिएजेंट। तो ब्रैडिस रिएजेंट ही क्या है, 2,4-DNP, और 2,4-DNP का फुल फॉर्म क्या हो गया, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो जी की जगह अगर ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सी डबल बॉन्ड एन और जी की जगह ये पूरा टर्म लगा दिया हमने। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2,4-DNP हाइड्राजोन, ठीक है, या 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये जो प्रोडक्ट आपका बनता है ना 2,4-DNP, ये 2,4-DNP जो बन रहा है ये सॉलिड येलो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, तो सॉलिड येलो प्रेसिपिटेट होने के कारण याद रखना, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे R1 R2 लिखा है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ये एल्डिहाइड के साथ होता है, कीटोन के साथ होता है, हर तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन इनके साथ वैलिड है। मतलब ये कि कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर आपने 2,4-DNP डाला तो कौन सा प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, आपको येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, मतलब 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव मिला, मतलब उसमें प्रेजेंट कंपाउंड जो होगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, या कह सकते हो उस कंपाउंड के पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर किसी कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप का प्रेजेंस को चेक करना है तो उसके लिए हम उसमें 2,4-DNP रिएजेंट डाल देंगे। जैसे 2,4-DNP रिएजेंट डालेंगे तो हमें उसमें सॉलिड येलो प्रेसिपिटेट देखेगा, मतलब हम क्या बन गया उसमें, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन गया। ठीक है, तो ये जो बन गया आपका इस, तो वो सॉलिड येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बना, तो इससे एक चीज क्लियर हो जाएगा कि उस कंपाउंड में, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड हो या कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, हमारा अगला रिएजेंट 7 में NHCO NH2। ठीक है, तो NHCO NH2, तो रिएजेंट का स्ट्रक्चर तो बना सकते हो आप लोग NH2 NHCO NH2। अब इसका नाम क्या है रिएजेंट का, सेमी कार्बाजाइड हो गया। अब उसको ऐड कर देंगे तो जी की जगह ये स्ट्रक्चर लगा दिया हमने,
नाम क्या हो जाएगा इसका, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब आपका रिएजेंट है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहा था, इमीन, इमीन आप कैसे बनाओगे, रहेगा हाइड्रोजोन क्या होता है, सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, सेमी कार्बाजोन क्या होता है, 2,4-DNP क्या होता है। तो ये सब आपका कॉमन नेम है, कॉमन नेम को एकदम अच्छे से, इस टेबल को एकदम अच्छे से एनालाइज करोगे बैठ के, ठीक है, एकदम अच्छे से सोचोगे कि भाई किस तरीके से ये सारा रिएक्शन हो रहा है। अगर आपको ये मैकेनिज्म याद है तो इस मैकेनिज्म को याद करने के बाद आराम से आप हर एक जी के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर रिएजेंट का कैसा होगा, उस रिएजेंट का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा और उस प्रोडक्ट का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारा हम लोग चेक करने का तरीका है कि नहीं। जैसे 2,4-DNP का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता था कि वो सॉलिड येलो प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, अब देखो इस पूरे रिएक्शन में एक चीज़ हमने ध्यान से यहाँ पे नोटिस करो कि अमाइन जो हमने लिया है 1 डिग्री अमाइन लिया है, हालांकि 3 डिग्री अमाइन के साथ इसका कोई रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप का नहीं होता है, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप का 2 डिग्री अमाइन के साथ जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा डिफरेंट वे में होता है, वो भी अलग से एक टॉपिक हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने नाइट्रोजन डेरिवेटिव का एडिशन इन कार्बोनाइल कंपाउंड है वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहां तक लिखो, उसके बाद आगे हम लोग और रिएक्शन देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमारा जो अगला रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर कैसे न्यूक्लियोफाइल में ऐड होता है ये देखेंगे। यहाँ पे वाटर हमने लिया तो ये आपका OH और OH हो गया। रिएक्शन जो है ऑब्वियसली रिवर्सिबल होगा क्योंकि हमें पता है एक ही कार्बन पे 2 OH जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से वाटर फिर से निकल के रिएक्शन रिवर्स जा सकता है। तो इसलिए रिएक्शन चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो हमने इसके लिए K इक्विलिब्रियम यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखो मैकेनिज्म क्या है, ऑक्सीजन का लोन पे कार्बन पे अटैक किया, O का लोन पे शिफ्ट किया, O पे माइनस आ गया, यहाँ पे OH2+। O पे जैसे प्लस आया H को विड्रॉ किया, ये H को ये O लोन पे प्रोटोनेट कर लिया। प्रोटोनेट करने के बाद आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म कर गया तो ये रिएक्शन जो है वापस रिवर्स होकर यहाँ पर जा सकता है। अब ध्यान से देखना किस रिएक्शन का रेट को कौन अफेक्ट करता है। अगर मान लो यहाँ पे R1 और R2 का स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना रिएक्शन का क्या होगा, रेट होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा तो H2O आराम से आकर इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, तो रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। उसको समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, हमने लिखा है R1 R2 यहाँ पे ले लिया, ये R1 R2 हो गया और ये आपका K इक्विलिब्रियम। देखो R1 R2 अगर दोनों H है मतलब यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन होगा, एक बार हाइड्रोजन एक बार मिथाइल ले लिया और एक बार दोनों में मिथाइल ले लिया, तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, K2 एंड K3 है। तीनों को हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमने चेक किया तो हमने देखा भाई K1 सबसे ज़्यादा, K2 एंड K3। रीजन क्लियर है, K1 में क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी कम मिलेगा, K3 में स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही ज़्यादा मिलेगा। इसी के बेसिस पे यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है, सारे सवाल को आप इसी भी इसी मेथड से इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए बनाओगे, सारा सवाल बन जाएगा। तो यहाँ तक लिखो, फिर आगे और रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारा अगला रिएक्शन है अल्कोहल का एडिशन कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो ये रहा हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड, इसमें अल्कोहल ऐड कर रहे हैं। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और वो कीटोन भी हो सकता है, तो ये दोनों ही केस में जो रिएक्शन है वो ऐड होने के बाद जो है प्रोडक्ट बिल्कुल अलग अलग फॉर्म करता है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे अल्कोहल ले लिया, एक इक्विवेलेंट लिया तो ये प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद अल्कोहल का एक और यूनिट लिया तो एक और प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। मतलब ये कि सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर आप अल्कोहल अगर ऐड करते हो तो इस अल्कोहल का ये जो OR यूनिट है ये जाकर ऐड हो जाता है और दूसरा जो O है वो आपका OH में बदल जाता है। एक और इक्विवेलेंट ऐड करते हो तो ये जो OH है ये भी रिप्लेस हो जाता है और ये OR फिर से आकर आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऐड हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, आपका प्रोडक्ट ए बन गया, प्रोडक्ट बी बन गया। अब ये दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग नाम होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे देखो यहाँ पे R1 और R2, अगर इन दोनों में से कोई एक अगर हाइड्रोजन हो जाए, हमने R1 को हाइड्रोजन मान लिया, R2 अल्काइल ग्रुप है, तो अगर एक हाइड्रोजन हो गया दूसरा अगर अल्काइल ग्रुप है, R1 H है और R2 कोई अल्काइल ग्रुप है, ठीक है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपका कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। उस केस में अगर एल्डिहाइड अगर एक इक्विवेलेंट अगर अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो यहां पर ध्यान से देखोगे इस कार्बन के पास, ठीक है, क्या होगा, यहां पे H होगा, एक अल्काइल ग्रुप होगा, एक OR होगा और एक OH होगा, तो उसे हम कहते हैं हेमी एसिटल। ठीक है, उसे हम कहते हैं हेमी एसिटल। और अगर मान लो कि वो एक और इक्विवेलेंट से अटैक करता है, एक और इक्विवेलेंट से अगर अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो R1 की जगह तो H है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, अब 2 OR हो गया, तो इसे नाम देते हैं हम लोग क्या, एसिटल, विच इज नोन एज एसिटल। ठीक है, लेकिन अगर हम कीटोन ले ले,
अगर हम यहाँ पे R1 R2 दोनों ही अल्काइल ग्रुप ले ले, देखो हमने लिखा दोनों अल्काइल ग्रुप है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड अब क्या कहलाएगा? कीटोन। और कीटोन में अगर एक इक्विवेलेंट ऐड होगा तब उसे हम कहते हैं हेमिकीटल। देखो प्रोडक्ट ए को हेमिकीटल बोल रहे हैं और प्रोडक्ट बी जो है वो क्या कहलाएगा? आपका कीटल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझो कि हमने इसको हेमिकीटल बोल दिया और इसको हमने कह दिया कीटल ग्रुप। ठीक है, मतलब ये कि अब हेमिकीटल कीटल इनको हम पहचानेंगे कैसे? जैसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आता है कि आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा बताइए इसमें एसिटल कौन है, हेमी एसिटल कौन है, कीटल कौन है, हेमिकीटल कौन है, इस तरह से पहचानना होगा। तो देखो तरीका एकदम सिंपल है। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में आपको लिख देता हूँ इस प्रोडक्ट को R1C R2 OR, ये प्रोडक्ट बी आपका। ठीक है, देखो कैसे पहचानेंगे, अगर एसिटल हो या हेमी एसिटल हो, कीटल हो और हेमी कीटल हो, ठीक है, कैसे पहचानेंगे? ध्यान से देखो, अगर एसिटल होगा, अगर यहाँ पे एसिटल अगर होता तो एक H होता, एक अल्काइल ग्रुप होता और दो OR ग्रुप होता। ठीक है, तो पहचानने का तरीका क्या हुआ? एसिटल को एसिटल में हो गया तुम्हारा 2 OR ग्रुप हो गया। ठीक है, 2 OR ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन होना चाहिए और एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसे क्या कह दोगे? एसिटल कह दोगे। अगर हेमी एसिटल की बात करेंगे तो हेमी एसिटल में क्या होगा? एक OR होगा, ये तो एक ही रहेगा, उसके बाद एक OH रहेगा, ठीक है, एक H रहेगा और एक आपका अल्काइल ग्रुप रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो हेमी एसिटल हो जाएगा। उसी तरह कीटल पहचानना है तो कीटल में क्या हो जाएगा? 2 OR ग्रुप हो जाएगा और 2 अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। हेमी कीटल में क्या हो जाएगा? 2 अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, 1 OR हो जाएगा और 1 OH हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग पहचानेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर ये शॉर्टकट ट्रिक अगर याद होगा, ठीक है, हालांकि मैकेनिज्म से ये सारा कुछ क्लियर है, इसका मैकेनिज्म अभी हम लोग बताएंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे ये बन रहा है, कैसे ये बन रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखो, एल्डिहाइड अगर रहेगा तो एक इक्विवेलेंट अगर अल्कोहल ऐड करते हो तो नाम होता है हेमी एसिटल, 2 यूनिट ऐड करोगे तो क्या नाम हो जाएगा? एसिटल। कीटोन होगा, 1 यूनिट अल्कोहल ऐड कर दिए तो नाम हो जाएगा हेमी कीटल, 2 यूनिट अगर ऐड कर दिए तो नाम हो जाएगा कीटल। ठीक है, तो उसमें क्या प्रोडक्ट में दिखेगा और कैसे पहचानना वो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, अगर ये भी आपको याद होगा तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो ये प्रोडक्ट है, इसमें ध्यान से वो क्या क्या लिखा हुआ है, एक ओ आर है, एक OH है और 2 अल्काइल है। देखो तो इस कार्बन से क्या लगा हुआ है? 1 अल्काइल ग्रुप और 2 अल्काइल ग्रुप, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप, 1 OH और 1 OCH3। तो देखो ध्यान से, 2 अल्काइल ग्रुप, 1 OR और 1 OH, देखो 2 अल्काइल ग्रुप, 1 OR और 1 OH, मतलब ये क्या हो गया? हेमिकीटल। तो आपने बोल दिया 1 को हेमिकीटल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें इस कार्बन के अबाउट एक हाइड्रोजन है, एक अल्काइल ग्रुप है, 2 OR है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आंसर, 2 OR है, एक हाइड्रोजन, एक अल्काइल ग्रुप, मतलब ये क्या हो गया आपका? एसिटल हो गया। ठीक है, सेम जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी दोनों क्वेश्चन अपने से एक बार कोशिश करोगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इस कार्बन में क्या, एक OH है, एक OR है, एक और OR है। देखो ध्यान से, एक और OR है, तो एक और OR, एक और OR, मतलब 2 OR है। ठीक है, एक OH है और एक R, ये तो R ग्रुप है, ये R ग्रुप हो गया, ये पोर्शन क्या हो गया? OR ग्रुप हो गया। तो OR OR R OH, देखो 2 OR ग्रुप। ठीक है, तो 2 OR आपका ग्रुप हो गया और उसके बाद बोला जा रहा तुम्हारा एक OH ग्रुप है, तो 2 OR ग्रुप है और एक आपका OH ग्रुप है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आपका फॉर्म कर जाएगा? ध्यान से देखो, तो यहाँ पे OR बन गया, यहाँ पे OR बन गया, एक R बन गया, एक OH बन गया, तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? यहाँ पे देखो 2 OR है, 2 R है और 2 OH आपका रहेगा ना, 2 OR बन गया, 2 R बन गया, तो 1 और 2, तो आप यहाँ पे इसको क्या नाम दे सकते हो? बोल सकते हो आराम से कि ये आपका कीटल फॉर्म कर जाएगा, क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, एक OH दिख रहा है। ठीक है, तो 2 अल्काइल ग्रुप यहाँ पे दिखेगा, R और यहाँ पे 2 OR, तो आप इसको आराम से कह सकते हो कि ये हेमिकीटल का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा बाकी सारे ग्रुप को आप आराम से आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करके आप आराम से बताओगे कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, OR फॉर्म कर रहा है, OH फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, तो इस तरीके से आप डिसाइड करके बताओगे। ठीक है, तो यहाँ तक लिखो, उसके बाद इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म कर लेंगे और एक दो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अब इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिए, हमारा ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड,
या क्या आपका ROH एल्कोहल हमने लिया एसिडिक मीडियम में, एक यूनिट पे ये बन गया, एक और यूनिट में आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम है तो H+ अवेलेबल होगा, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का लोन पे प्रोटोनेट हो गया। इस कार्बन पे पहले इलेक्ट्रो पॉजिटिव आएगा, एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया, वो का लोन पेयर यहाँ पे वापस आ गया। तो आपका ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा होगा तो ओ पे प्लस आ रहा होगा, तो एच को रिलीज कर दिया, ठीक है, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। अब ये जो है ये हेमी किटल हो सकता है या हेमी एसिटल हो सकता है, अगर एल्डिहाइड होगा तो हेमी एसिटल हो जाएगा और अगर कीटोन हुआ तो हेमी किटल हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से एसिडिक मीडिया में ये OH प्रोटोनेट हो गया, प्रोटोनेट होने के बाद OH2 प्लस हो गया, इस कार्बन पे हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये निकलने का टेंडेंसी शो कर रहा होगा, तो उसी कार्बन पे दूसरा यूनिट जो था वो अटैक कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। ऑक्सीजन ने चूंकि अपना लोन पे डोनेट किया तो O पे प्लस आ गया, यहाँ से H को रिलीज कर दिया, तो फाइनली आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। अब अगर हम स्टार्टिंग में जो सब्सट्रेट अगर वो कीटोन लेते तो ये किटल बन जाता, अगर एल्डिहाइड लेते तो ये एसिटल बन जाता, वो हमने यहाँ पे एग्जांपल में करके दिखा दिया है। देखो हमने RCOR लिया R-OH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे देखो ये कीटोन है तो इसका नाम हो गया हेमी किटल, एक और यूनिट ऐड कर दिए तो किटल बन गया, ठीक है। यहाँ देखो हमने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड में एक यूनिट ऐड कर दिए तो ये बन गया हेमी एसिटल, एक और यूनिट ऐड कर दिया बन गया एसिटल। इसी को इन जनरल हमने यहाँ पे R1 R2 लेकर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ तक लिखो, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दे दूंगा आप लोगों को करने के लिए, और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है अल्कोहल के एडिशन में, ठीक है, यहाँ तक पहले नोट करो। ओके, अब हमारा अगला रिएक्शन है, ये भी अल्कोहल का ही एडिशन है कार्बोनाइल कंपाउंड में, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो अल्कोहल ऐड कर रहे हैं वो एक्चुअली विसिनल डायोल है, तो ये विसिनल डायोल का एग्जांपल है। विसिनल डायोल हम लोग को पता है क्या होता है, जब एडजेसेंट पोजीशन पे दो OH ग्रुप हो तो उसे हम विसिनल डायोल कहते हैं। तो अगर डायोल का एडिशन करेंगे तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म कर रहा है, और ये जो प्रोडक्ट है ये स्टेबल होता है बेसिक मीडियम में, लेकिन हाँ एसिडिक मीडियम में ये वापस से रिएक्शन इसमें रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें रिएक्शन तुम्हारा किस तरीके से प्रोसीड कराएंगे समझना ध्यान से। एसिडिक मीडियम ले रहे हैं तो पहले ऑक्सीजन का लोन पे प्रोटोनेट हो गया, ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया इस पर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे तो OP प्लस आ गया, H को रिलीज कर दिया, ठीक है। H को रिलीज करने के बाद इसी से एक CH2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब समझना बात को, अभी तक क्या होता था कि जो अल्कोहल आता था वो दूसरा यूनिट जो होता था वो बाहर से आकर अटैक करता था, यहाँ पर दूसरा यूनिट ऑलरेडी एप्लीकेबल यहीं पे तुम्हारा अवेलेबल है, तो अगर यहीं पे अवेलेबल है तो यही क्या करेगा, यही अटैक करेगा इसी यूनिट पे। तो अब H प्लस प्रोटोनेट हुआ, यहाँ पे वाटर बना और इसका अल्कोहल का दूसरा यूनिट इस पे अटैक कर दिया। जैसे इस पे अटैक किया तो ये वो इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया, ये वो इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया, इस पे H, इस पे प्लस, यहाँ से H को रिलीज कर दिया तो आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट मेथड बनाने का क्या है समझना बात को, जब भी आपका ये RC डबल बॉन्ड हो दिया हुआ है, ये आपको सपोज कार्बोनाइल कंपाउंड दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले कार्बन हमने लिखा, और देखो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, RCR पहले ये लिख लो। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O है तो इसको दो O ऐसे ब्रेक कर दो इस तरह से, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये एक्चुअली में उस विसनेट लेवल का ऑक्सीजन बना दो, ठीक है। ये विसनेट लेवल का ऑक्सीजन अगर बना दोगे तो ये O से क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जोड़ दिया, ये CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जोड़ दिया, ये CH2 से क्या जुड़ा हुआ, O बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। सपोज मान लो कि यही प्रोडक्ट बनाना था, तो देखो इसको मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ हम लोग को। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना था, ये O इस तरीके से, अब ये O एक्चुअली में किसका होगा, इसका होगा, तो ये O से क्या जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, और ये O से क्या जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, और ये दोनों कार्बन आपस में इस तरीके से तुम्हारा जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आप शॉर्ट में प्रोडक्ट बना सकते हो बिना मैकेनिज्म को फॉलो किए हुए, ठीक है। अब इसका यूज़ भी अभी हम लोग बताएंगे कि इसका यूज़ एक्चुअली में तुम्हारा करते क्या है, और यहाँ पे जो इथाइलिन ग्लाइकोल है इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो भी रिएक्शन करेगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट करो, एथाइलिन ग्लाइकोल को हम लोग प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है। देखो इसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि ये कंपाउंड दिया हुआ है LiLH4, हमें पता है कि LiLH4 जो होता है वो इसे भी रिड्यूस कर देता है, इसे भी रिड्यूस करता है, इस्टर को भी रिड्यूस करेगा, कीटोन को भी, कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल ले आया, इस्टर को रिड्यूस करके यहाँ पे अल्कोहल ले आया। लेकिन अगर सपोज मान लो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें कि इस वाले पार्ट को हमें रिड्यूस नहीं करना, इसको रिटेन करके रख देना है, तब क्या करेंगे, तब वैसे केस में तुम्हारा कोई भी रिएजेंट लो, अगर तुम कोई भी रिएजेंट ले लो इसके जगह, तो वो रिएजेंट दोनों को रिड्यूस करता है,
किसी एक को सेलेक्टिवली रिड्यूस नहीं करता है, तो वैसे केसेस में वो क्या करते हैं, हमने पहले इथाइलिन ग्लाइकोल लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल सिर्फ इससे रिएक्ट करता है, कार्बोनाइल ग्रुप से तो करता नहीं है, तो वो इसके साथ प्रोटेक्टिंग ग्रुप में यहाँ पे प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया तो अब ध्यान दो, अब इसके बाद हमने LiLH4 डाल दिया, इसके साथ तो कोई रिएक्शन LiLH4 का हमने पढ़ा नहीं है, तो इसके साथ तो इनर्ट वर्ड्स LiLH4 हमने यहाँ पे लिख दिया है, इससे कोई रिएक्शन LiLH4 का नहीं होगा, तब तुम्हारा ये पार्ट रिड्यूस हो गया, एल्कोहल बन गया। अब इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो वापस से हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कीटोन ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोलिसिस कैसे हुआ है, ये हाइड्रोलिसिस हमने यहाँ पे देखो बता दिया है कि कैसे आप एसिटल या कीटल का हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। देखो सिंपल सा तरीका है, अगर कहीं पर भी आपका ओआर रहेगा ना, ओआर को सिंपली आपको रिप्लेस कर देना विथ ओएच ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे देखो ओआर था, यहाँ पे ओआर डेस था, तो इसको हमने एल्कोहल बना के बाहर निकाल दिया और दोनों को OH से रिप्लेस कर दिया, OH से रिप्लेस कर दिया, एक ही कार्बन पे दो OH, वाटर बाहर निकाल दिए, यानी कि जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें दो यूनिट अल्कोहल का मिलेगा और एक यूनिट क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। सेम ये वाला केस, दोनों OR डैश को हमने रिप्लेस कर दिया अल्कोहल के फॉर्म में। ठीक है, दोनों में OH लगा दिया, अब एक ही कार्बन पे दो OH, यहां से वाटर हमने बाहर निकाल दिया, इस तरीके से हाइड्रोलिसिस करना है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि आपका क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपका OCH3 लगा हुआ है और यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है, इसका अब हाइड्रोलिसिस के लिए बोला गया है, तो सिंपल बहुत आसान है, क्या करना है, दोनों को रिप्लेस कर देना है OH से और इसको अल्कोहल बना देना है, तो CH3OH बन गया, अब प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे OH एंड OH, और एक ही कार्बन पे दो OH, तो वाटर बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा डबल बॉन्ड। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो, हाइड्रोलाइज कर सकते हो। तो यहाँ तक लिख लो, अब जितने भी अल्कोहल पे बेस्ड अभी तक हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े उससे रिलेटेड सारे सवाल मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप सारे सवाल को एक बार बनाओगे। देखो यहाँ हमने सारे सवाल जो दे रखे हैं, सारे सवाल इसी पे बेस्ड है कि रिएक्शन विद अल्कोहल में कार्बोनिल कंपाउंड किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, सपोज एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मान लो कि ये क्वेश्चन अगर बना देता हूँ, तो CH3CH2OH एक इक्विवेलेंट लिया गया है, तो एक इक्विवेलेंट लेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे आपका एक तो OH आ जाएगा और एक आपका OET लग जाएगा इसके साथ, तो OET हमने लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सारा प्रोडक्ट बनाने का आप लोग कोशिश करोगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया क्या कि अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्शन तुम्हारा करता है कार्बोनिल कंपाउंड। तो अब उसके बाद हमारा अगला रिएक्शन होगा थायोल के साथ कैसे बिहेव करेगा, तो पहले यहाँ तक नोट करो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा अगला जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ थायोल। तो थायोल का मतलब बेसिकली क्या होता है, RSH होता है। अगर आप देखोगे एक तरह से तो ROH के जैसा ही सिमिलर ये ऐड होता है। तो यहाँ पर वही हमने क्या है कि कीटोन है, हमने कीटोन ले सकते हो, कार्बोनल ग्रुप इसे बोल दो, RSH एक इक्विवेलेंट ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। जैसे वहाँ पे OR लगता था यहाँ पे SR- है, उसी तरह एक और इक्विवेलेंट में एक और OR लगता था यहाँ पे एक और SR- आ गया है। ठीक है, तो एकदम सिमिलर मैकेनिज्म है जो हमने अल्कोहल में पढ़ा था, एकदम सिमिलर मैकेनिज्म है। तो आप इसको सेम तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद अगला है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये तो हमने ग्रिग्नार्ड टॉपिक में पढ़ लिया है, फिर भी एक बार मैं यहाँ पे रिवाइज करने के लिए लिख दिया हूँ। रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड होगा तो ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अगर एल्डिहाइड होगा तो उसके साथ सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और अगर कीटोन लोगे तो उसके साथ हमारा कौन सा अल्कोहल बनेगा, 3° अल्कोहल बनेगा। एक स्पेशल रिएक्शन है, याद रखोगे एक बार मेडिकल के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। अगर फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन अगर एक्सेस में हो तो क्या रिएक्शन प्रोसीड करता है, तो रिएक्शन में प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो ध्यान से, 6 CH2 ग्रुप होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 CH2 ग्रुप है। अब ये जो तुम्हारे स्टेज का नाम है हेक्सा मिथाइलिन टेट्राअमाइन, ठीक है, इसका कॉमन नेम है यूरोट्रोपिन, इसका कॉमन नेम है यूरोट्रोपिन, और इसे RDX बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है इसे याद रखोगे, तो चलो यहाँ तक अब लिख लो। उसके बाद एक और रिएक्शन बचा हुआ है, उस रिएक्शन के बाद ये टॉपिक हम लोग का तुम्हारा एंड होगा, यहाँ तक पहले नोट करो। देखिए हमारा अगला रिएक्शन जो है वो रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद 2° अमाइन। हालांकि 3° अमाइन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का कोई रिएक्शन नहीं होता है, बट 1° अमाइन के साथ हमने रिएक्शन देख लिया था रिएक्शन विद नाइट्रोजन डेरिवेटिव में। ये रिएक्शन अगर 2° अमाइन होगा तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2° अमाइन हमने लिया हुआ ये, और ये 2° अमाइन के साथ हमारा रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बना, इनामाइन। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म क्या है, ध्यान से देखो ये अल्किन है, अल्किन से क्या जुड़ा हुआ, अमाइन ग्रुप, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है, इनामाइन। ये हमने टॉटोमेरिज्म में भी इसके बारे में कुछ पढ़ा था।
अब देखो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म, ओ पे लोन पेयर है, एच प्लस है, प्रोटोनेट हो गया, ओ पे प्लस आ गया। एन का लोन पेयर जैसे इस कार्बन पे अटैक किया, ये बॉन्ड वापस से शिफ्ट हो गया तो OH आ गया, NH प्लस RR। ठीक है, अब यहाँ से H प्लस रिलीज हो गया, तो H प्लस रिलीज होने के बाद तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया ये। अब एक्चुअली होता क्या है ना कि यहाँ पे ये जो OH दिखता है ये डिहाइड्रेट होकर निकलता है, तो OH और इस वाले कार्बन का तुम्हारा H, जो बगल वाले कार्बन का H होगा, वो दोनों को H लेके निकल गया यहाँ पे। तो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, देख लो, और इससे क्या लगा हुआ है, एक R डैश, तो R डैश लगा हुआ, और इससे क्या अटैच है, N, और इससे दो R अटैच है इस तरह से। तो ये आपका क्या बन गया, इनामाइन फॉर्म कर गया। इस तरीके से यहाँ पे हमने दो रिएक्शन लिखा हुआ है, ये दोनों रिएक्शन भी इसी बेसिस पे बनेगा, आप एक बार इसको बना के ट्राई करोगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।